2 दिसंबर सन 1960 को जब बिहार की माटी में एक ब्राह्मण परिवार में बच्चे की जन्म हुई, किसी को ये नहीं पता था कि वो बच्चा एक दिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जगत प्रकाश नड्डा की, जिन्हें जेपी नड्डा भी कहा जाता है। जेपी नड्डा के जीवन के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा, क्योंकि वह लाइमलाइट में रहने वाले नेताओं में से नहीं है। वह भाजपा के कुछ उन नेताओं में से हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और जिनकी मेहनत के वजह से आज भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और देश में प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार चला रही है। जगत प्रकाश नड्डा का जन्म बिहार के पटना में हुआ था, जहां से उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अपनी बीए की डिग्री की। उसके बाद वह एलएलबी की पढ़ाई करने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी चले गए। वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और राजनीति से भी जुड़े रहे। तो आइए अब जयप्रकाश नड्डा के परिवार के बारे में आपको बताते हैं। जयप्रकाश नड्डा के माता पिता का नाम था डॉक्टर नारायण लाल नड्डा और कृष्णा नड्डा। नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा पटना विश्वविद्यालय में कुलपति थे। वहीं सन 1991 में जगत प्रकाश नड्डा ने मल्लिका नड्डा से विवाह किया था, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्य करती हैं। वहीं मल्लिका नड्डा के पिता जबलपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। जगत प्रकाश नड्डा और मल्लिका नड्डा के 2 बच्चे भी हैं। अब जानते हैं आखिर कैसे जेपी नड्डा राजनीति से जुड़े। 1975 का दौर था, जब छात्रों में एक अलग ही आंदोलन चल रहा था और ज़्यादातर आज के हमारे नेता जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े हुए थे और उसी से निकले हुए थे। तो इन्होंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत 1975 में जेपी आंदोलन से ही किया था। उसके बाद आंदोलन ख़त्म होते ही उन्होंने भाजपा की छात्र इकाई AVVP से अपना दामन थाम लिया, जिसके बाद उन्होंने सन 1977 में अपने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और इस चुनाव को जीतकर वह पटना विश्वविद्यालय के सचिव बन गए थे। वहीं पटना विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में LLB की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। BJP द्वारा नड्डा को साल 1991 में अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्र महासचिव बनाया गया था। इन्होंने अपनी जीवन की पहली चुनाव हिमाचल प्रदेश से लड़ी थी और बतौर विधायक भी चुनकर आए थे। सन 1993 में जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिलासपुर सीट से चुनाव लड़ा और इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया था। इस तरह उन्होंने साल 1998 और साल 2007 में इस सीट से फिर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं उनको इस दौरान प्रदेश की कैबिनेट में भी जगह दी गई। उन्हें साल 1998 में हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और साल 2007 में वह वन पर्यावरण और संसदीय मामलों के मंत्री रहे। जेपी नड्डा राज्यसभा के लिए भी चुने गए। जिस तरह से जगत प्रकाश नड्डा ने BJP पार्टी के लिए कार्य किया, उसे देखते हुए पार्टी ने साल 2012 में जगत प्रकाश नड्डा को हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्यसभा में भी भेजा गया था और इस समय वो राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वो परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर बनी समिति के सदस्य भी रहे हैं। वहीं BJP पार्टी के राष्ट्र महासचिव भी नियुक्त किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जेपी नड्डा को काफी विवादों का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी इन पर कड़े कड़े सवाल उठाए।
लेकिन इसका उनके राजनीतिक करियर पर कोई असर नहीं हुआ। सबसे बड़ा नीट के परीक्षा का विवाद हुआ था। साल 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नीट परीक्षा पर लिए गए एक फैसले को लेकर काफी हंगामा हुआ था। दरअसल सरकार द्वारा बनाए गए नीट परीक्षा से जुड़े एक अध्यादेश के मुताबिक सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और संस्थान को नीट दायरे के अंतर्गत लिया गया था, जिसका काफी विवाद हुआ था। तो आइए अब जेपी नड्डा के कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको बताते हैं। नड्डा ने अपने पढ़ाई के दिनों में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। इतना ही नहीं, वे हिमाचल प्रदेश के ओलंपिक संघ के राष्ट्रपति भी थे। हाल में जेपी नड्डा के विश्व तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से विशेष मान्यता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं, कल जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का कार्यवाहक राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी उनकी उपलब्धियों में एक शामिल हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।